उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पौड़ी गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत जी हमारे साथ बातचीत के मौजूद है। सर, मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है लेकिन विभागों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ। 23 मार्च को शपथ हुआ था, आज 29 मार्च हो गए हैं। सरकार बन गई, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है लेकिन विभागों का बंटवारा, उसका कारण है कि अभी उत्तर प्रदेश का भी शपथ हुआ, फिर अभी गोवा, तो उसमें भी दौड़ भाग रही मुख्यमंत्री की। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी विभागों का भी बंटवारा हो जाएगा, क्योंकि केंद्र से भी बातचीत करना और मुख्यमंत्री अपना ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये सब सामने आ जाएगा। कांग्रेस कह रही कि अंतर विरोध है, जो कैबिनेट बनी है उसमें विरोध है अंतर, क्योंकि मंत्रालय सब बढ़िया चाहते हैं, यही वजह है कि अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हो चुका है। नहीं, अपने यहाँ कभी ऐसा नहीं होता है, और स्वतः ही परस्पर बातचीत करते हुए और केंद्र अपने से और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हो जाएगा। और कहीं ऐसा किसी प्रकार का मंत्रियों का अपने आपस में विभागों के बारे में कोई इच्छा रखना ऐसा नहीं है, ये रहता है, थोड़ा बहुत रहता है कि हर आदमी चाहता है कि हर मंत्री चाहता है कि मेरे हिसाब से है तो मैं अपने हिसाब से, लेकिन अपने यहाँ जो मिला उसमें वो लोग संतुष्ट होते हैं और फिर अपने विकास कार्य को गति देते हैं। 4 तारीख को बीएल संतोष जी भी जा रहे हैं देहरादून, वहाँ पर संगठन की बैठक करेंगे, क्या कुछ मंथन होगा? देखिए, जो संगठनात्मक अपना एक प्रक्रिया है और पूरी समीक्षा चुनाव को लेकर के साथ में आगामी कार्यक्रम किस रूप में हमको आगे ले जाने हैं और फिर क्या करना है, तो ये सब चीज़ों पे बातचीत होती है। शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पौड़ी गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत, जिनका कहना है कि केंद्र से विचार विमर्श करके जल्द ही मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा। कैप्टन विपिन के साथ अविनाश तिवारी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।